तो गाइस आज इनको पता नहीं था ऐसी आगे अच्छा। अभी सिस्टर देखो भाई ड्रेस ले रही है, यहाँ पर ड्रेस मिल रही है अच्छा यूनिफॉर्म। अरे कोई ना देसी है भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस फिलहाल अभी हम आए हैं स्कूल में, क्योंकि भांजे का मेरा एडमिशन करवाने के लिए आया हूँ मैं इधर सेंट पॉल स्कूल में। ये जो सेंट पॉल स्कूल दिख रहा है आपको, ये मम्मी साथ आई है क्योंकि सिस्टर आ रही है अभी फतेहपुर से। ये स्कूल आप देख सकते हो, सेंट पॉल स्कूल आई नगर। काफ़ी अच्छी पढ़ाई है इस स्कूल की भाई, फीस जैसी महंगी वैसी पढ़ाई, आप सभी को पता है। अच्छी डिसिप्लिन है इसमें, मतलब बच्चे के लिए बहुत नियम कानून है जिससे बच्चा काफ़ी कुछ सीख सकता है इससे। तो सिस्टर का वेट कर रही है, सिस्टर पता नहीं कहाँ रह गई और आज बता रही सिस्टर बुक मिलेगी, कह रही भाई तू चल। तो मैं इसलिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ, अभी फ़ोन करता हूँ सिस्टर कहाँ है। मम्मी क्या ज़्यादा लेट कर दिया अभी लड़की ने, तो लेट कर दिया उसने तो कोई बात ना आ जाएगी। तो गाइस देख रहे होंगे भाई ये खड़ी सारी बसें, खड़ी होती थी तेरी गाड़ी, ये खड़ी हमारे भाई साहब की गाड़ी। तो ब्रिज आ गया, मैं वहाँ दिखा रहा हूँ दूसरी। तो गाइस अभी जा रहे हैं बुक लेने, मम्मी मेरे साथ है पीछे पीछे। ऐसी आ गई मम्मी, देख सकते हो भाई आप पीछे का। आ जा सामने, यहाँ क्लास हो रही है भाई स्टार्ट है। देख लो भाई बुक के लिए कैसे लग रहे हैं। और मैंने कुछ बैठ दे, शिकल देख के भगा दी तो मैं। और सागर भाई क्या हाल है? ठीक है ठीक है। आ रहा हूँ एक मिनट दस। चल भाई साहब यूनिफॉर्म। अभी सिस्टर देखो भाई ड्रेस ले रही है, यहाँ पर ड्रेस मिल रही है अच्छा यूनिफॉर्म। अरे कोई ना देसी है भाई, हमने कौन से यूनिफॉर्म बोलते थे भाई साहब। यहाँ खड़े अपने आराम से, कोई मतलब नहीं है, दो वक्त डोल रहे भाई कैसे बैठे हैं। मम्मी तो जो जाओ बैठ जाओ। हाय निकुंज आज तो देखो निकुंज का स्कूल देख लो भाई, ये रहा ये निकुंज का स्कूल है भाई साहब। तो गाइस अब एडमिशन करवा के निकुंज का चल दिया घर के लिए। निकुंज बेटा स्कूल कैसा लगा आपका, न्यू स्कूल कैसा लगा आपका? बढ़िया है, मजा आया स्कूल में? भाई देख यहाँ ना शरारती मत करियो, कभी यहाँ ऐब करे तेरे को, तेरा पापा इतना पैसा लगा के पढ़ा रहा है तो ऐब मत करियो, कभी अगले दिन भगा दे स्कूल से तेरे को। खबर अच्छा वाह, ये बड़ी क्लास तक बनाओ अभी, ये तो मतलब बड़े वो ये छोटी क्लास तक है, ये बड़ी क्लास का बना है अभी जस्ट भाई, ये पूरा 12वीं तक हो गया है सेंट पॉल स्कूल। अच्छा आप क्यों हंस रहे हो? आप बस भी लगा सकते हो अगर ऐसी कोई डाउट है। अरे यार तने मैं बेइज्जती करा दी वाली गाड़ी वाली दूसरी करो। तो गाइस आज इनको पता नहीं था ऐसी आगे अच्छा अच्छा, तो मतलब कल बुक मिलेगी। देखो तो बताई तो भाई। देखो निकुंज यहाँ झूला झूले करेगा, देख निकुंज यहाँ खेले करेगा पार्क में। आपको निकुंज के स्कूल का एक बार मैं पूरा वो दिखा देता हूँ, व्यू देख लो पूरा स्कूल का एक बार। ये देखो पहले भाई ये क्या था, छोटी क्लास तक ये रहता था बस स्कूल, ये इतना था बस इतना रहता था। अब ये जस्ट ये पूरा बड़ा 12वीं तक कर दिया है, ये नई बिल्डिंग बना दी इसकी भाई। पढ़ाई तो इसकी एक नंबर की पढ़ाई है। छोटे नाम का सेंट पॉल स्कूल का नाम है इसका, ठीक है। पढ़ाई इसकी आई नगर के टॉप मतलब आसपास के एरिया में सबसे अच्छी पढ़ाई है। सेंट पॉल की अंदर चलो अंदर से एक बार विजिट कभी करवा देते हैं आपको पूरे स्कूल की। मुझे लग नहीं रहा है लड़का पढ़ेगा इसके जैसे डांगे देखना खड़े होने के। नानी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है स्कूल, अच्छा है। उससे तो अच्छा है जहाँ तू पढ़ता था, वो स्कूल बुरा था ना जहाँ तू पढ़ता था, ये अच्छा है ना। यहाँ सारे झूला मामू का घर पास में, कोई दिक्कत हो मामा का फोन कर देगा, ठीक है। मामा वहीं आ जाएगा तीन चार गाड़ी भर के आ जा। चलो अभी आ जाओ। निकुंज आप कुछ कहना चाहते हो? आप उसको लेके क्यों नहीं आए छोटे भाई को?
छोटे भाई को घर पे ना। अच्छा तो प्रांजल भी इस स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ेगी, ठीक है, दोनों बहन भाई साथ रहोगे इसमें। ये आपकी सारी बस है सेंट पॉल स्कूल की। एक बार मैं आपको पूरे स्कूल का व्यू दिखा देता हूँ, रिव्यू पूरा, जैसे स्कूल है सेंट पॉल स्कूल। चलो भाई अंदर, कह रहे अभी अलाउड नहीं है। फोर्स कर रही है बेटी को, लाला थोड़ी देर खड़े हो जा, फिर लगा फिर लाला फोर्स कर रही है बेटी, चल खाना खाने, बेटी कह रही नहीं ए, चलो छोड़ दे डांट तो लेगी। अरे चलो खाना खाने, खाना खा के चल दियो। निकुंज कितनी बुरी होगी, निकुंज तो अभी छोटा बालक। लाला लाला बहन बहन निकुंज तो छोटा बालक, ऐसी इंग्लिश बोल गया निकुंज। मम्मी अपने सबको भेंट वाटी दे रही है, देख ले सही है। थोड़ा भाई साहब को डीजल का तो वर्दन देख रहे हैं। आयो डीजल फुक रहा है नगर से जौनपुर तक। निकुंज बाय 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 बोल दो बहु बाय। मिले करेंगे भाई, भाई आ जा करेंगे, कोई दिक्कत ना तेरे पास। आ रहा घर को आ रहा तो ब्लॉग बन पाए, चल दिया तुम। बुक मिली नहीं, नहीं ड्रेस मिली। अच्छा पागल है, ऐसे आप करेगा बेटा खुद ही। मम्मा तू हट जा, मैं गाड़ी चलाऊंगा आज। तो ये आकरे को गाड़ी लेके, मैं उधर से मम्मा तू हट जा मैं चलाऊंगा। भाई साहब गाड़ी लेके यहीं आकरे को जा, मामू से बाय कह दो। बाय मामू, बाय करो, बाय करो के मामू। अरे यहां तो कर ले, पता हर किसी से हमें नहीं करेगा भाई, हर किसी से क्या बोला है, ऐसा आवाज जैसी बॉडी बना रहा है। हमें कह रहा मैं सागर जैसी बना, बना नहीं चाय लेके हूं मैं, समझ आ बेटा चाय नहीं पीनी है, ठीक है, अदरक गिर के अंदर होता तैयार पड़ेगा अदरक। अच्छा जी भैया, अच्छा पढ़ियो, हमारी बेइज्जती मत करवा दिया, एडमिशन तक देना होगा। चल रहा तो नन्नू, नन्नू आगे तो बैठो तुम, नन्नू प्रांजल रोड चल रहा है, बोलो नानी। अच्छा बोलो नानी बाय बाय नन्नू, फिर आइयो। मैं चलो तुम तो चार वाली पे आए, हम तो दो वाली पे जाएंगे। कोई बात ना, तो नौ साल तो रहेगी। चलो भाई निकुंज चल दिया है, तो गाइस फिर हम भी चलते हैं भाई, बहन चल दी है घर के लिए, कल आएंगे, बुक मिली नहीं तो हम या बहने तो मिली, मैं भी छुट्टी थी स्कूल की, ओनली बुक वगैरह मिल रही है बड़े बच्चों की, छोटे बच्चों की मिल नहीं रही अभी, कल आएंगे। कल 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 सामने भाई चर्च वाला हॉस्पिटल है यहाँ पर, अब स्टार्ट है पढ़ाई, कल से क्लास स्टार्ट होएगी। हाँ एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरी बाइक बुलेट, चलो लाली को सूट वूट दे दिए दिया ही, तब ठीक हो भैया, जहाँ भी जाओ ना अपने गांव की नीति अपनाने लग जाओ। अच्छा गाइस ये चलते हैं भाई, ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं फिर। अच्छा भाई सभी भाई को राम राम, तो वीडियो को भाई प्यार देख रहे हो यार, कंजूसी बहुत करने लग गए, लाइक भी करते हैं वीडियो ज़्यादा देख नहीं रहे, कोशिश करो भाई वीडियो पूरी देखो ताकि हमें भी अच्छा लगे और वीडियो बनाने का। तो भाई आपको मैंने सेंट पॉल स्कूल अगर नहीं देख पाए तो मैं कल एक बार अच्छी तरह आपको पूरा सेंट पॉल स्कूल दिखा दूंगा, अंदर से क्लास वगैरह सब कुछ, जो मेरे फैमिली की जो भी लेडीज देखना चाहती है, जो भी जिनको नहीं पता कैसा स्कूल है सेंट पॉल स्कूल, बहुत बेटर स्कूल है पढ़ाई के मामले में, फीस थोड़ी ज़्यादा है पर हाँ पढ़ाई एक नंबर की है, बच्चा पढ़ लिया तो भाई कामयाब है और बच्चे के ऊपर है। अच्छा भाई राम राम जी। अगले दिन हमें स्कूल से ये बुक वगैरह मिली थी, कुछ नोटबुक थी कुछ बुक थी, देख सकते हो आप सभी के अलग अलग प्राइस है, कोई 140 की है, कोई 50 रुपीज़ की है, सभी के अलग अलग प्राइस है। और निकुंज की खुशी अलग ही थी बुक देख के अपनी, देख सकते हो एक इनकी नोटबुक में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इनका अपना लोगो रहता है बुक में स्कूल का, ये सेंट पॉल स्कूल की, देखो निकुंज कितना खुश हो रहा है बुक देख के देख के। यार चुप रहना, इतना क्यों बोल रहा तू, वो मम्मी इसकी बुक्स हैं देख मम्मा,
drawing. Mama, but ye kya hai? Cursive small letters. इसे कर्सिव राइटिंग सिखाई जाएगी यार। देख। ये बुक्स है वो नोट और अभी आधी तेरी रह रही है बेटा। मम्मा। हाँ। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मा ये क्या है? अब जो इनके प्राइस दिखाती हूँ मैं। ये 170 रुपए की है। खड़ा। और मैं। ये वाली 120 की है। ये वाली 180 की है। कुत्ता। ये वाली 140 की है। मम्मी। ये वाली 120 की है। और ये इनकी स्कूल की अपनी अलग ड्रेस होती है, मतलब सभी स्कूल के अलग अलग होती है पर इनके अपने नाम के साथ होते हैं। सेंट पॉल स्कूल, 3-4 ड्रेस है इनकी, गर्मी की अलग, ठंडी की अलग, जो भी गर्मी की देख सकते हो आप और ठंडों की भी अभी आई नहीं है। देखो भाई ये दूसरी ड्रेस है निकुंज की, निकुंज अब बन जाएगा जेंटलमैन निकुंज। तो गाइस कैसा लगे निकुंज की ड्रेस और कैसे ये निकुंज के शूज़ देखो, निकुंज के शूज। तो हमारा निकुंज अब रेडी है। तो गाइस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा भाई सभी को राम।